11 गाने लॉन्च किए, एक नई बात है, एक मतलब दम चाहिए कि भाई इतने साल नॉर्मली एक एक करके लोग लॉन्च करते हैं, बट आई थिंक एक वैरायटी एक साथ एक पैकेज में प्रेजेंट की है तो पब्लिक के लिए भी एक होता है कि एक पर्टिकुलर लेबल से ये वैरायटीज मिलती हैं। एक क्लेवर, एक जो कहते हैं वेल थॉट ऑफ एक स्ट्रैटेजी कहेंगे आपके, भाई हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम किस किस्म का म्यूज़िक देते हैं, बनिस्बत ये कि आप एक लॉन्च करें फिर दूसरा करें। आजकल पब्लिक का टाइम नहीं है, तो मिट्टू डाने बहुत पहले बोलता पब्लिक के पास टाइम नहीं है। हाँ, यश, हाँ। और 11 गाने एक साथ भी किए कि बाद में वो 11 पार्टी देने पड़ती है अलग अलग करके। हाँ, वो हाँ एक साथ में ये आप ये जो खर्च की बात होती है ना, ये आप बहुत सही बात है, ये दुखती रख पे प्रोड्यूसर के हाथ डाल दिया आपने। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहते हैं 11 गाने आज लॉन्च हुए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, अच्छी बात है। 11 गाने क्या है कि जैसे जावेद भाई ने बोला कि लोगों के पास टाइम नहीं है, एक बार साथ 11 एक बार एक साथ में सुन लो और उसमें से चूज़ कर लो क्या अच्छा है, जिसको जो पसंद है वो सुने। और 11 की टीम भी अच्छी है, क्रिकेट टीम होती है, 11 प्लेयर होते हैं। सर अगर बात करें तो डांसिंग की, तो डांसिंग में हमको चॉइस करना पड़ता है, अब तो 11 के गाना 11 गाने हैं तो क्या चॉइस करेंगे? कुछ जो अच्छा है वही चॉइस करेंगे ना। अब हमारी चॉइस अलग है, उनकी चॉइस अलग है, किसी कुछ चॉइस है, किसी कुछ चॉइस है। बस आप रेस्टोरेंट में जाते हो, एक मेन्यू आता है, उसके इतने खाने होते हैं, आप बोलोगे सर आप क्या चूज़ करोगे? जिसकी जो पसंद होगी चूज़ करोगे, लेकिन एक मेन्यू तो है यहाँ पे, इनके पास एक मेन्यू है, तो जिसकी जो पसंद है उस हिसाब चलेगा, जिस मूड में आपको सुनना है, रोमांटिक मूड है, डांस का मूड है, जो नहीं। टैलेंट तो देखिए यार, हर सदी में हर जनरेशन में टैलेंट होता है, चेंज हो जाता है। आपको जो पसंद है आज वो कल आपके बच्चे कुछ करेंगे, वो आप बोलेंगे यार ये क्या सुन रहे हो, तो ये तो भाई दस्तूर चलता आ रहा है सदियों से कि आपकी जो पसंद है फिर कल को उनकी पसंद है, एंड वी हैव टू अडैप्ट, जो कहते हैं री इन्वेंट करें अपने आप को कि साथ में चले वक्त के, ज़माने के साथ में चले। तो आई थिंक ज़माने के साथ चलना ज़रूरी होता है। एंड हाँ, गंदगी ना हो, लिरिक्स की खास ज़्यादातर होती है एक 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 और एक म्यूज़िक में, और हमारा कल्चर में बहुत रिच है हमारा म्यूज़िक, क्योंकि मेलोडी है इंडियन कल्चर में, बहुत स्ट्रॉन्ग मेलोडी है, और उसका इस्तेमाल अगर क्लासिकल बैकग्राउंड होता है हमारे यहाँ तो बहुत एक बहुत फ़ायदा होता है उसमें। मेरे बनिस्बत ये कि आप ऐसे आ गए और कुछ बजा दिया, बट आई थिंक बैकग्राउंड रखना, ट्रेनिंग रखना बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं अब पुराने, अब देखिए यार पुराने गाने क्लासिक थे, अब आप एक आई थिंक फ्रॉम द 60s टू द 80s गोल्डन एरा आप समझिए उसका म्यूज़िक का, और वो गाने अब घुमा फिरा के रीपैकेज करके रीमिक्स करके किए जा रहे हैं। तो आपको सर कैसा लगता है आज के
आवाज़ में वो धुन सुनना चाहते हैं आज के कॉम्पोजिशन, उस कॉम्पोजिशन को पैकेजिंग आज का कर दिया है ना। लेकिन उसका असलियत अगर तोड़ मोड़ डाले तो आपको आज हमारे बीच एक मिनट करके पूछो भाई, अटल जी हमारे बीच नहीं रहे आज क्या कहना चाहते? अरे हाँ भाई, बहुत बुजुर्ग लीडर थे हमारे और आई थिंक बहुत रिस्पेक्टफुल, एक अच्छा बैलेंस संतुलन पॉलिटिक्स में बना के रखा था उन्होंने कि एक आई थिंक एक बड़ा लॉस है इंडियन पॉलिटिकल सीन को, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। इंडियन कल्चर के लिए हमेशा उन्होंने, अरे यार मिनट रुकना यार, सवाल करो। कौन से वाले? अटल जी के लिए जी बिल्कुल, जब जावेद भाई ने कहा, बहुत उन्होंने बहुत काम किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे लीडर भी रह चुके हैं और आज जो हो रहा है क्या कहूँ उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है और एक लॉस बहुत बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, अटल जी ने हमेशा जोड़ने की बातें की थी, जितना आपने देखा होगा जब वो अपने उनका टर्म था तो हमेशा जोड़ने की बातें करते थे, तोड़ने की बातें नहीं करते थे। इवन पाकिस्तान से रिश्ते की उन्होंने बहुत कोशिश की थी एंड वो काबिल तारीफ है उनके लिए एंड वो एक बात याद है। जावेद जी, इंडियन कल्चर को हमेशा बरकरार रखा है इंडियन जो अटल जी ने, अभी तक तो कोई पार्टी में ऐसा कोई है कोई पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बना दिया आपने यार, इधर हम गाने के सुनाए हैं तो वी शुड नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल। नहीं, मैंने कहा देखिए, अच्छा देखिए, कोई भी चाहे वो कलाकार हो या पॉलिटिकल, जिसने देश की खिदमत की है अपनी तरफ से और अच्छा बनाने की कोशिश की है देश को, उस भावनाओं का हमको वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड आई थिंक वो एक लॉस डेफिनेटली लॉस। सो वी हैव नाउ द टाइम फॉर द पोस्टर लॉन्च फ्रॉम आलम सर। जस्ट सेकंड, अच्छा सर बात करें तो अटल, एक मिनट मैं बात कर लूँ भाई। अच्छा सर, अगर आप दोनों से बात करें, जस्ट सर, अगर आप दोनों से बात करें तो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी, तो सर कौन सा मोमेंट था, आपने तो काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर चुका, तो कौन सा मोमेंट था जिसको हम उनको याद कर सकते, बस वही मुझे मुझे तो बस याद होगा, वो जो बस की थी उन्होंने, और किसी के बस की बात नहीं थी, वो उनके बस की बात थी, वो बस जो चलाई थी उन्होंने बहुत एक कोशिश थी यार, बहुत अच्छी कोशिश, प्यार की कोशिश थी। सर आपके दिन मैं सही यही कहूँगा भाई, साथ में मिलके चलो, जो साथ में लेके चले वो अच्छा है, जो तोड़े वो बस के चलते बाहर से कुछ सिंगर यहाँ पर आए थे, वो अच्छे शायर भी थे। हाँ जी, बाहर से कुछ लोग आए, टैलेंट, अरे कहीं से भी आओ यार, हिंदुस्तान तो ऐसा देश मुल्क रहा है, सब लोग बाहर से आए, कौन किधर का यार, आप बोलेंगे 500 साल पहले वो आया था, 1000 साल पहले, बस के जरिए से ना। तो मैंने कहा ना, देखिए कलाकार एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टैलेंट की कोई सीमाएं नहीं बनानी है, पॉलिटिकल सीमा नहीं होती है, टैलेंट कहीं भी चला जाता है, टैलेंट प्यार से आता है, टैलेंट एक अलग, एक उसकी एक कंट्री अलग होती है, उसकी एक दुनिया ही अलग है, टैलेंट की कोई वो दरारें नहीं होती कि मेरा ये तेरा ये तेरा, सब मिलके आई थिंक वही खूबसूरती और ब्यूटी होती है टैलेंट की, कि वो मिलजुल के ये जो आवाज़ और साउंड निकलता है। देखिए हमने रफ़ी साहब को प्यार किया, किशोर साहब को प्यार किया, आज के नए सिंगर उनको प्यार किया, हमने माइकल जैक्सन को प्यार किया, हमने मैडोना को प्यार किया, हमने वहाँ के सिंगर, दुनिया के कितने सिंगर हैं आज डीजे आ रहे हैं, वो अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं, आज के बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, तो ये टैलेंट है, इसको आप रोक नहीं सकते, आवाज़ आएगी, आज इंटरनेट आ गया है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, जो पसंद है वो पसंद है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, मुबीन सौदागर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहाँ जहाँ सौदा किया जाता है वहाँ सौदागर का नाम लिया जाता है, प्यारे हमारे मुबीन हमेशा मुँह के बिन आते, लेकिन यहाँ पर मुँह के साथ में आए, ऐसे सारे जोक्स करने पड़ते हैं आजकल। आलम के बारे में क्या कहूँ, पूरी दुनिया पूरी आलम जिनको जानते हैं, म्यूज़िक इनका है, इन्होंने म्यूज़िक एल्बम बनाया है, लिखा भी है, एक्टिंग भी की है और कॉस्ट्यूम भी इन्होंने बनाया, हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो साहिब आलम एस आलम ने मोहम्मद अकील अंसारी, एक्चुअली इनको प्यार से आलम भाई हम लोग बोलते हैं, तो असली नाम हमें अभी तक नहीं पता था, yes. आज मालूम पड़ा, आज मालूम पड़ा। तो आशिक और जूनियर महमूद साहब को कौन नहीं जानता, जी जी जी। अब मैं इनको प्यार से सीनियर महमूद कहता हूँ, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन हूं। नवीन प्रभाकर से जोरदार तालियां, द बनाने वाले नवीन प्रभाकर और हमारे कमाल साहब, सुनील भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाने आपको कैसा लगा और 11 का जो आंकड़ा है उसके बारे में, 11 जो है हमारे हिंदुस्तान में बड़ा शगुन माना जाता है, चाहे वो संगीत भी एक पूजा है, म्यूजिक भी एक पूजा है, तो अगर हम उसको पूजा भी इससे भी रिलेट करें या संगीत से भी रिलेट करें, तो मुझे लगता है 11 का आंकड़ा बहुत शगुन है, हमारी क्रिकेट की टीम भी 11 लोग ही होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो 11 जो है ये 11 मुल्कों को बहुत पसंद आएगा, 11 मुल्कों को 111 111 ये भी एल्बम ही बहुत कम बनते हैं,
और एल्बम का एक दौर था कि काफ़ी एल्बम बनते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो एल्बम कम बनते हैं। मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि 11 एल्बम 11 सिंगर, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 11 गाने 11 सिंगर और 11 के 11 एल्बम शूट हुए हैं, और जाके आउट ऑफ बॉम्बे शूट किया, जैसे चाइना के बॉर्डर हो गए, इलाहाबाद हो गए, दिल्ली हो गए और मुंबई में, और बहुत ही सभी जितनी टीम थी सभी लोगों का काफ़ी साथ था और बहुत ही अच्छा था, सब लोगों ने कॉपरेट किया और एक अच्छा, अब आप बाकी सब लोग के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। उनका सवाल है कि आपने 11 सिंगर्स को कैसे कन्विंस किया? 11 सिंगर कन्विंस दिया है, पेमेंट दिया, क्या दिया? 11 सिंगर को क्योंकि ममता जी को मैं जानता था बहुत पहले से, ममता शर्मा, क्योंकि उनके साथ मैं मिमिक्री ऐसे आर्टिस्ट जो शो कर चुका हूँ, कॉस्ट्यूम भी करता था, और इस उनको एक फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा एल्बम है, उस टाइम ममता जी काफ़ी मतलब एल्बम वगैरह गा नहीं रही थी, जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई फेविकोल वगैरह, तो उनको फ़ोन किया, बोले आलम एल्बम है तेरा, कब गाना है, तो मैं बोला फला फला, बोले आगे गा दी। और सचिन जी को एक बार ही बोला, सचिन जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, मैंने गाने के लिए बोला, शूट के लिए बोला, और बहुत ही अच्छा रिश्ता सचिन जी ने, सिर्फ जाग उनको वेडिंग सुनाया, तुरंत उन्होंने हाँ बोला और गाया उन्होंने, और शान जी ने भी ऐसे रिश्ता बनाया सभी से अच्छा, सब लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया, और एक खुशी होती है कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई और आज जो है रिलीज़ हो गई, शेमारो कंपनी ने उसको रिलीज़ किया और सभी लोगों का साथ रहा है, और आज यहाँ पे भी सभी लोगों का साथ करना चाहूँगा कि आलम भाई का नेचर इतना अच्छा है, इतने प्यारे इंसान है कि कोई इन्हें मना नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे थे तो हर कोई इनसे प्यार करता है, हर कोई इनके साथ काम करना चाह रहा है, अभी बड़े काम कर रहे हैं तो बड़े काम में भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आलम भाई। म्यूज़िक का क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ, फ़ैन रहूँगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर नहीं, और म्यूज़िक में मैं रहमान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रहमान AR रहमान साहब का, तो रहमान साहब का रोज़ा में और ये अभी आई जब तक है जान, काफ़ी सॉन्ग जो उनके सुने और सुन के जो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन, हाँ लिखने की, और गुलजार साहब की वेडिंग मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब जी, जो गुलजार साहब की सोच है, चप्पा चप्पा चरखा चले, इब्ने बतूता बगल में जूता, ये सब उनकी जो सोच है एक अलग ही सोच है, तो उनको देख के थोड़ा उनके गाने सुने, काफ़ी जो कोशिश किए हैं, फिर उसके बाद एक कोशिश किया, कोशिश जो आज जो है कामयाब हुई ऐसा लगा। देखिए हिंदी एल्बम इसमें सीमा सिंह भोजपुरी का तड़का लगा, लेकिन इससे पहले ये एल्बम दिखा के गोविंदा की फिल्म किया था सीमा सिंह ने, हीरो गोविंदा की, लो आगे हीरो, लो आगे हीरो, लो आगे, हाँ, तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी हिंदी में काम किया, और सीमा सिंह अच्छी फ्रेंड है मेरी, और परफॉर्मर अच्छी है और डांसर अच्छी है, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि 7 ईयर्स में 750 सॉन्ग उसने आइटम सॉन्ग किया, अभी तक किसी ने नहीं किया। देखिए जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि दौर तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, सारे दर्शक माय बाप होते हैं, दर्शक जिसको समझ में, दर्शकों की समझ में जो आ जाए, चाहे वो एल्बम हो चाहे वो डांस हो, दर्शक दौर बनाते हैं, वैसे किसी का दौर नहीं होता। तो राजेश खन्ना साहब के अंदाज में कहना चाहूँगा कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कुछ रहता नहीं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कोई रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, तो दर्शक जो है वो दौर बनाते। फर्स्ट एल्बम मैंने, पहला एल्बम जो मैंने सॉन्ग जो मैंने लिखा था जावेद अली का, तू जिंदगी है मेरी, जावेद भाई को सुनाया, जावेद अली साहब को बहुत पसंद आया, और फिर जब पहले गाने अच्छे बने तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की कि अच्छा लिखते हो, और सब अच्छे से हुआ, तो फिर उसके बाद दूसरे गाने की कोशिश किया, तो करते करते 11 गाने हो गए, जैसे गुड़ की डली हूँ ममता शर्मा वगैरह, फिर जसपिंदर निउल्ला है, सब्बीर कुमार साहब हैं, सचिन पिलगांवकर हैं, शान जी हैं,
मोहम्मद सलामत है, रफीक राजा हैं, सभी लोगों को एक एक गाना, और ये कॉन्सेप्ट रखा था कि एक सिंगर से का एक ही गाना रखेंगे, तो इसके लिए 11 सिंगर और 11 गाने होंगे। सीमा सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ, उनके फादर को अटैक आया है, वो आने वाली थी, उनके फादर को अटैक आया है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला, और दो तीन दिन से काफ़ी वो प्रॉब्लम में परेशान है सीमा सिंह, और इसीलिए वो नहीं आ पाए। और जावेद अली साहब रहमान साहब के साथ यूके गए हैं, एआर रहमान साहब के साथ, और ममता शर्मा भी यूके गई हैं शूट करने के लिए, उनके खुद का प्रोडक्शन वगैरह है, और सब्बीर साहब कलकत्ता में शो के लिए गए हैं, और साधना जी भी कलकत्ता में शो के लिए गई हैं। तब टाइम ऐसा था, 15 अगस्त का टाइम था, और सब और 16 अगस्त सब तब आउट ऑफ बॉम्बे होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसी वजह से लगता है ये। भले वो 11 सिंगर नहीं आए, लेकिन 11 सिंगर्स की आवाज़ है हमारे बीच में। नवीन शुरू हो जाओ। हाँ, अटल जी हमारे आदरणीय अटल जी, हाँ जी, आदरणीय अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और काफ़ी साहित्यकारों के और अच्छे विचारों के प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं चूंकि उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अटल जी कहीं नहीं गए। उनका नाम अटल है, और मृत्यु का दूसरा नाम अटल होता है, तो वो मृत्यु अटल है, अटल जो है मृत्यु है, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में हमेशा अटल रहेंगे, यहीं सेटल रहेंगे। वो कहीं अगर शारीरिक रूप से गए भी हैं, तो वो सिर्फ रिन्यू होने गए, फिर से वापस आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे, अपने कविताओं को लेकर आएंगे, अपने साहित्य को लेकर आएंगे, और फिर से वही भूचाल मचाएंगे। फिलहाल इस बात का दुख तो है कि बीजेपी के पिता और भारत माँ के पुत्र शारीरिक रूप से हमें छोड़कर गए, लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। इसी अंदाज में मैं कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है, अटल जी के अंदाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो उनके मिमिक्री आर्टिस्ट भी फ़ैन हैं, और हम अपना हमारा अंदाज है, हमारी श्रद्धांजलि है। फिर एक बार कहना चाहूँगा, कहीं गए नहीं, अमर है वो। हर शख्स अपने गम में खोया है, भाइयों बहनों, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं है वो कब्र में सोया है। तो इस दुनिया में हर किसी के पास गम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन अटल जी दोबारा ज़रूर वापस आएंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद अटल जी, आप हमेशा हमारे बीच ही हो, हमारे विदिन हो। लव यू जी। अटल जी के बारे में प्रेरणा दिए लोगों को, और बड़े रहे हैं, और बड़े बड़े ही होते हैं, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके बारे में वो कहने के लिए भी। अलबत्त ये कि चूँकि हम भी नागरिक हैं, हम यहाँ के वतनी हैं, और हमें उनसे जितना प्यार है वो महसूस किया जा सकता है, ज़बान पर लाकर उसकी कोई मकदार कम करना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए मुझे से नाचीज़ का बोलना शायद मज़ा नहीं आएगा मुझे बोलने में, वो बात बनेगी नहीं जो जितनी बड़ी शख्सियत वो हैं। तो दुख की बात है, और जैसे भाई ने कहा कि मौत बरहक है, कल हमारा भी वक्त आएगा ऐसा, लेकिन शायद हमें इतना याद नहीं करें लोग जितना अटल जी को याद करेंगे। थैंक यू। अटल जी हमारे सार्वभौम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 93 साल के आयु में सारा का सारा जीवन उन्होंने हिंदुस्तान को कुर्बान कर दिया, और सही मायने में उन्होंने स्वतंत्रता को अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे प्रभावी और आज के हमारे अभावी अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमें पूरा पूरा खेद है, और हम बहुत सारे कलाकार मिलके उनके उनके नाम पर, उनके सैक्रिफाइस पर हम मौन रखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के SMS और मैसेजेस हमको आए कि यार इस में हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन हमारे आलम भाई का प्यार है, सारे कलाकारों ने एक SMS तो उनको कर दिया, और चाहे हम देखो रीजंस हम भले कितने ही बताएं, लेकिन चीज़ें तो हमारे सामने हैं, तो हम सेलिब्रेशन नहीं, हम उनको विशेष करने आए हैं, और हमारी सारी खुशियां इनके साथ है, और देश के
सार्वभौम भूतपूर्व प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे, उसका हमें दिल से खेद। थैंक यू मुबीन। हाँ, मैं यही कहूँगा कि अटल जी नहीं रहे हमारे बीच में, इस बात का दुख है, लेकिन उनके विचार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। उनके विचार हमारे बीच ही हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उन्हें पढ़ के, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अटल जी के लिए बस श्रद्धांजलि दिल से देना चाहते हैं सभी लोग मिलकर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप लोगों को हमारी तरफ से दुआएं, मुबारकबाद। और देखिए, इंडस्ट्री के साथ के लोग होते हैं, तो जो भी फनकार होते हैं, नए आते हैं लाइन में, इंडस्ट्री में, हमारी यही दुआ होती है कि सबको कहीं ना कहीं अल्लाह नवाजे, और जो भी उनका फन है वो फन में आगे बढ़े और उसमें कामयाब हों। तो हमारी दिल से मतलब मुबारकबाद के साथ साथ एक दुआ भी है, और उससे ज़्यादा हम कुछ दे नहीं सकते। और जो भी फनकार जुड़े हुए हैं आपके लेवल से और ब्रांड से, हम यही है कि आगे बढ़ें और आपका ब्रांड भी सक्सेस हो और आपके आगे भी सक्सेस हो। क्या कहूँ कि बहुत बहुत मुबारक आपको आलम भाई, और आपका ये जो कदम है ये कामयाब। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, click on the like button, must do share the link, thank you.